हाय अस्सलाम वालेकुम। कल मैं थोड़ी इमोशनल होके मैंने वीडियो अपलोड कर दी एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग मैं क्या करूँ, मैं पाकिस्तान जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। फिर मैंने अपनी अम्मी से बात की तो मेरी अम्मा ने कहा, मैंने कहा अम्मा मैं अब अगले साल आऊँगी, आई एम गोना कम इन यू नो नवंबर, बिकॉज मेरी कुछ चीज़ें लाइन अप हैं और इससे पहले मैं नहीं आ सकती थी। सो अम्मी ने कहा कि बेटा तुम्हारी मर्ज़ी है, अगले साल किसने देखा तो मैं, ये चीज़ मुझे इतनी हिट की। तो मैंने कहा ठीक है भाई ठीक है, मैंने फ़ोन किया और कसम ने मुझे हिम्मत दिलाई और मैंने फ़ोन किया और मैंने अपना टिकट बुक कर लिया। और आज मेरे पास सिर्फ दो दिन है, दो दिन बाद की मेरी फ़्लाइट है एंड आई डू नॉट हैव टाइम, आई एम गोइंग शॉपिंग ताकि मैं कुछ चीज़ें ले लूँ। किसी को नहीं पता घर में, ना मेरी बहनों को ना मेरी अम्मी को, टाइम है नहीं और मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं लिया। कल यहाँ छुट्टी है क्योंकि थैंक्स गिविंग है और सब कुछ बंद हो जाएगा, तो आई जस्ट हैव टुडे एंड इट इज़ दोपहर के एक बज रहे हैं। हमने लाया को उसकी दोस्त के यहाँ ड्रॉप किया है एंड वी आर गोइंग शॉपिंग, ताकि जाहिर सी बात है जब आप जाते हैं तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि भाई क्या लेके आए हो, नज़रें सारी सूटकेस पे होती हैं। सो और मेरी तो बहनें हैं भी आपको पता है तीन, सो वी आर जस्ट ऑन द वे एंड नोबडी नोज एट होम कि मैं आ रही हूँ एंड इट्स गोना बी अ सरप्राइज़ फॉर देम। मैं अपने रशीद चाचा जो हमारे यहाँ होते हैं बहुत पुराने हैं अब्बू के पास, तो उनको मैं सोच रही थी एयरपोर्ट पे बुला लूँ, मगर मसला ये है ना यार, उनके पेट में कुछ रहता नहीं है। रशीद चाचा तो सारी बातें अब्बू को जाके बता देते, चाहे मैं जितना भी कहूँ कि नहीं बताइएगा रशीद चाचा। सो मैं यही सोच रही हूँ कि या तो मैं अपनी दोस्तों को बोलूँ कि मुझे पिक करे और फिर मैं एक रात पाकिस्तान में कराची में गुजारूं बगैर अपने फैमिली को, और नेक्स्ट डे सुबह जाके सरप्राइज दूं। सो आई एम जस्ट थिंकिंग व्हाट रेडी टू लीव, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, आपको पता है मैंने आप लोगों को बताया था मैं निकल रही हूँ। तो कल मैं जा रही थी, एज इन कल रात को मैंने सोचा कि यार मैं कबाब बना लेती हूँ, तो मैंने कसाम के लिए कबाब बना दिए क्योंकि अब वो उसकी आदतें ख़राब हो गई थी ना, उसको कोई खाना बना के दे रहा था। सो आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि चलो आई एम गोइंग फॉर 30 डेज, आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि कुछ तो हो उसके पास खाने को जब उसको थोड़ी बहुत भूख लगे, बाकी वो खुद हैंडल कर लेगा। इस वक्त हम रास्ते में हैं और जा रहे हैं कुछ बची कुछ चीज़ें लेने जो हमें बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला था, बिकॉज यू गाइस नो मैंने दो दिन पहले ही कमांडो एक्शन किया है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। मेरे घर पे किसी को पता नहीं है, हमारे घर पे रशीद चाचा होते हैं जिनको मैंने बताया था कि रशीद चाचा मैं आ रही हूँ, आप घर की चाबियाँ मेरी दोस्त को दे दिएगा ताकि लवली। सो रशीद चाचा साहब को मैंने ये बोला कि रशीद चाचा आप ऐसा करना कि 25 तारीख को आप आलू का भुर्ता बनाना और 26 को आलू का पराठा, ठीक है, और किसी को बताना नहीं आप अलाया के लिए बना रहे, बिकॉज अलाया लव्स आलू का पराठा एंड भुर्ता। तो मुझे कहते हैं हाँ मुन्नी हेलो फिक्र ना कर, मैंने किसी को बताया नहीं है, बस मैंने साहब को ये बोला है कि मैं 25 को आलू का भुर्ता बनाऊंगा और 26 को आलू का पराठा सरप्राइज है। मैंने कहा रशीद चाचा आर यू सीरियस, मतलब कि ये भी बोलने की क्या जरूरत थी। तो इन लोगों को मुझ में सॉर्ट ऑफ शक हो गया, मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हो हमें सरप्राइज देना अगर तुम आ रही हो, ये वो अनम कह रही है। तो मैं डेली उनसे बात कर रही हूँ और सैड हूँ कि यार अम्मा आई मिस यू बट क्या करूँ नहीं आ सकती, और ये वो फुल ऑन ड्रामे कर रही हूँ। एंड जहाज़ में भी मैं वाईफाई खरीद लूँगी ताकि मैं कॉन्स्टेंटली इन टच रहूँ ताकि उनको लगे नहीं। और कसाम की अम्मा को भी थोड़ा सा शक हो गया, सब बड़े तेज़ हैं यार, बहुत तेज़ है। कसाम पीछे से इतने भर्ण मार रहे हैं ना, अम्मी से मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ तो पीछे से कह दिया कुछ मैं कह रही हूँ तो हाँ जब तुम जाओगी तो ठीक करूँगा, मैं कह रही हूँ यार ये क्या कह रहा है कसाम से भाई बात नहीं रहती, मुझसे भी नहीं रहती, बट रशीद चाचा ने बहुत बड़ा भर्ण मारा है, बट आई होप उनको पता ना हो, लेट्स सी। सो फॉर द फर्स्ट टाइम रशीद चाचा मुझे पिक करने नहीं आ रहे एयरपोर्ट से एंड मेरी दोस्तें आ रही हैं एंड मैं लैंड करूँगी इंशाल्लाह 1:30, तो निकलते निकलते यू नो 2:30 टाइप हो जाएंगे, 3 बज जाएंगे एंड देन आई एम गोना गो टू माई फ्रेंड्स हाउस। सुबह 7 बजे तक मैं घर चली जाऊँगी, घर की चाबी मेरे पास है, सो आई ट्राई टू रिकॉर्ड द एक्सप्रेशन। Why? Everyone's gonna know. I won't post it now. I'll post it later. Okay? Yeah. Thanks for the great idea, Alaya. You're so smart. Give me a high five, Janu. Chika chika chika. ये मैं पहली दफा मैं 6 महीने अपनी फैमिली से दूर रही हूँ। मेरी जो एक्साइटमेंट है जाने की, किसान बेचारा परेशान हो गया, कह रहे हैं वापस आओगी ना? मैंने कहा देखते हैं। Now it's time to leave America and go to Pakistan. मेरी बहनें मुझे बार बार कॉल करी, आई फील लाइक उनको शक हो गया, बिकॉज लाइक कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, किधर हो, इतने सवाल तो उन्होंने कभी भी नहीं पूछे। एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, काफ़ी रश है और मेरी छोटी सी बच्ची शोली है, इसको बहुत नींद आ रही है। लेट्स गो अलाया, बोर्डिंग का टाइम हो गया और हम लोग जा रहे हैं, हम लोग को बहुत भूख लग गई थी तो हम बैठ के मज़े से खाना शाना खा रहे थे एंड देखे जी
अलाया को यहाँ लेगो का वो दिख गया जी, अलाया वेंडिंग मशीन। हाँ It's from the Wii, so I want to play that. You want to play that? No, you're not playing anything. Let's go. गंदू बच्ची, हर जगह तो इनको तो कुछ खरीदना है, खरीदना है कि नहीं खरीदना? It was just for a visa. Visa? What's a visa? What visa? Oh, wait, are you okay? Yeah. हमारा गेट नंबर है D11 और आपको नहीं पता मेरी लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, क्योंकि मैं थक गई थी यार काम कर करके, और 6 महीने बाद पहली दफा मैं जा रही हूँ नहीं पोस्ट करते। I just can't wait. But मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बहन ऑलरेडी घर आई है। I don't know, she's like, तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, शक हो गया सबको, बट वो तो चलो घर जाके पता चलेगा। Let's see क्या होता है। अच्छी खासी चीज़ें मैंने ले ली हैं लास्ट मिनट पे, एंड बट यू नो व्हेन यू सी ड्यूटी फ्री यू जस्ट गो क्रेजी। इट्स कॉलिंग मी। मुझे परफ्यूम की खुशबू आ रही है। लव बाइंग परफ्यूम्स। Let's check it out. Guys, I love Chanel. I found a really good spot. सामने से direct sunlight आ रही है। Light बिल्कुल perfect है, तो मैंने कहा कि camera खोल लेना चाहिए। ये अच्छा time है video बनाने का। काफ़ी walk की है मैंने, and I just can't wait to sit on the plane and crash right away. अलाया के लिए तो मेरे पास है दवा, बिकॉज बहुत लंबी फ्लाइट है, तो मैं उसको थोड़ी सी बेनिफिट दे देती हूँ, एंड देन सुकून से फिर उठती है। सो इट्स अ 14-hour फ्लाइट टू दोहा, 14 घंटे की या 15 घंटे की, आई एम नॉट टू श्योर। और उसके बाद दोहा से मेरे ख्याल से पाकिस्तान 2 घंटा है। तो तैयार है, सब लोग वेट कर रहे हैं। 4:40 बोर्डिंग होनी थी, लेकिन अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई। सो एक्साइटेड टू गो बैक एंड रिलैक्स। जाते जाते ही मैंने हेयर ऑयलिंग करवानी है ऑलमोस्ट एवरी अदर डे, मैनिक्योर पेडिक्योर बॉडी मसाज, मतलब जो जो नहीं हो सका पॉसिबल यहाँ वो मैं वहाँ करूँगी। आई जस्ट कांट वेट। मज़े मज़े खाने खाना, अपने हाथ के खाने, ट्रायल एंड एरर कर करके सीख तो मैं बहुत कुछ गई हूँ। मतलब 6 महीने में यार मैं मास्टर शेफ़ ही बन गई हूँ मुझे लगता है। आई मीन आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड नाउ अंडरस्टैंड के जब इंसान के ऊपर चीज़ पड़ती है तो उसको आ जाता है। सर्कमस्टांसेस जैसे भी होते हैं इंसान हैंडल कर लेता है। मेरी तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुई है। फ्लाइट डिले हो गई है 5:50, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट, सो नॉट अ बिग डील। अभी हम पिक्चर्स देख रहे थे ना आपकी बर्थडे की, कराची की, तो आपने क्या बोला मुझे? You can't wait to meet them. सबसे पहले आप किसको हगी टगी दोगे? सबसे ज्यादा आपने किसको मिस किया? किसको मिस किया सबसे ज्यादा? तो अब क्या करेंगे हम, अमेरिका ले आएंगे सबको? ये हम रुक जाएंगे पाकिस्तान में? रुक जाएंगे? आपके स्कूल का क्या होगा यहाँ? पता, निकाल दो। निकाल दो आपको? आप ओल्ड स्कूल जाओगे? हाँ बच्चा। आफ्टर 16 आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग मैं दोहा पहुँच गई हूँ, नहीं 14 and a half hours ऑफ ट्रैवलिंग मैं दोहा पहुँच गई हूँ, और थोड़ा खाना पीना। लंबी फ्लाइट थी यार, हालत ख़राब हो गई, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। अब हम ज़रा जा रहे हैं बाहर ड्यूटी फ्री पे चीज़ें देखने, कुछ समझ आए तो उठा लें। आपको तो पता है लास्ट मिनट तक शॉपिंग चलती है। सो सी यू एट द ड्यूटी फ्री। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं कतर के ये वाले साइड ऑफ द एयरपोर्ट आई हूँ। दिस इज सो ब्यूटीफुल, लुक एट दिस। पहली दफा आई हूँ, क्या ही इन्होंने बनाया है। उफ, इंडोर प्लांट्स इतना खूबसूरत, एंड यू नो म्यूजिक भी इस तरह की लगाई है, लाइक बर्ड्स एंड ऑल दैट। कम ऑन अलाया, अलाया को प्ले ग्राउंड जाना है, और मेरा गेट है C54, प्ले ग्राउंड है 1 पे, तो इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। मेरे पास 1 घंटे का टाइम है बोर्डिंग से पहले। आ जाओ अलाया। ओके लेट्स गो, आ जाओ। वो मान नहीं रही, नाराज हो रही है मैडम जी। दीज आर कार्स।
So she can leave the car with me. Bye. चले जी, हम गेट की तरफ आ गए हैं। पर हमारे हाँ जो कहाँ जा रहा है? कर पाकिस्तान। हाँ, कराची। सो सब लोग चले गए, बस हमारे इंतजार में चला गया। एक्साइटमेंट में हम एयरपोर्ट घूमे चले जा रहे थे और अम्मी कॉल कर रही है मुझे। मैंने कहा अम्मी सॉरी, मैं अभी खाना बना रही हूँ, कांट टॉक टू यू, आई कॉल यू बैक, आई एम बिजी। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 hours एंड वी शुड बी देयर। वी आर वेटिंग। बस में हम लोग जाएंगे इस कोस्टर में और हमें बहुत बहुत एक्साइटमेंट है, हमें बहुत एक्साइटमेंट है। कितनी एक्साइटमेंट है हमें जाने की, बहुत सारी, कि हमने आधा बर्गर छोड़ दिया। चले भैया लाया आपको। ओके लेट्स गो गाइस। इतना भारी हैंड कैरी साथ साथ जाएगा आप हमारे? चलो लाया आगे चलो, वरना तुम्हें चोट लगेगी। ओए होए, ओए होए। लैपटॉप बैग, अपना बैग, हैंड कैरी और अनाया मैडम सब साथ है मेरे। लैंडेड 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 कराची आ गए हैं। हालत हो गई खराब। कराची आ गए भाई, मौसम बड़ा अच्छा है, ठंड हो रही है थोड़ी बहुत एंड बाहर बारिश हो रही है। माई फ्रेंड इज़ हियर टू पिक मी एंड अलाया कह रही है कि मामा टेल योर फ्रेंड टू ड्रॉप अस टू अब्बू हाउस राइट नाउ, और अभी रात के कोई 2 बजे। सो आई टोल्ड हर वेट अलाया, थोड़ा दिन हो जाएगा तो फिर हम सुबह सुबह 6:30-7 बजे निकल जाएंगे। I want to go now. Why? Now. She's too excited to surprise them. Chalo bhai, ek time ho gaya baggage claim ki taraf jaane ka, so we're just heading towards the baggage claim. That should be meri badi low yaar, but I'm gonna keep on updating you guys. जितने लोग बहुत अच्छे से कराची में आए, देख लो भाई ये रहा हमारा एयरपोर्ट। सर आराम से लाया, आराम से, रुक जाए भाई थोड़ा रुक जाए। चल फिर सारे लोग कराची एयरपोर्ट में, मैंने इतना रश कभी भी नहीं देखा। तो मेन रश उस वाली जगह से हम जरा बाहर निकल के आ गए, ठंडी ठंडी हवाएं हैं और आई थिंक उमरा से लोग आए हैं, उसका रश है। मौसम जबरदस्त, हवाएं अच्छी, बारिश हल्की हल्की, रश बहुत ज्यादा, भी केयरफुल जानो, क्रेजी की तरह रश है, हैरान होगी मैं। बेचारी मेरी दोस्त रात के 2 बजे मुझे पिक करने आई है बारिश के सीजन में। क्या मम्मा? मैं तो हैरान हो गया एकदम। अरे यार बहुत बड़ा सरप्राइज। कल हम आए हैं, तुमने कहा सुबह तुम हमें नाश्ता दोगी, अभी कोई 2 बजे, हम अभी उठे 12 बजे, 2 बजे नाश्ता अभी बनाना सीख रही हो कि किस हाँ, तरह बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी। ये क्या हो रहा है यार, नहीं बनाओ, प्रिपरेशन चल रही है, बाहर से खा मुझे आप दे। ना हाफ आवर दे दे यार, हमें नहीं खाना आपके हाथ का खाना, आप क्यों हमारे साथ ऐसे कर रही हैं? आप इतने 6 महीने बाद हमें खाना नहीं मिल पा रहा है, आप प्लीज 1.5 आवर दे सर, हम जाओ। इन्होंने कहा था खाना नाश्ता मत करना, 3 बजे नाश्ता मिलेगा, 4 बज रहे, 3:09 हो गए, 3:30 पता नहीं क्यों हमें भूख लग रही है, लेकिन ये पता नहीं क्या काटम पटाई क्या बना क्या रही हो यार तुम। पैनकेक बना रही हूँ यार, अनमा हमें भूख लग रही है, क्या ड्रामेबाजी है, अपनी वीडियोस बनाई जा रही है इस वजह से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसी वजह से खाना लेट हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं वैसे ही बना लेती हूँ।
एक घंटा 17 मिनट से वीडियो चल रही है। नहीं, एक घंटा नहीं, एक मिनट 20 सेकंड। पहली तो बात यह है।